पहले बीच में ही बता चलो स्टार्ट करो स्टार्ट ये फीमेल पेल्विस का मॉडल है इसमें फ्लैश ना ऑन कर ले ऑन करो फ्लैश इसमें सबसे पहले हम लोग मसल्स देख लेते हैं ये सोआस मसल है और ये आलियाकस मसल है ठीक है आलियाकस मसल के ऊपर जो नर्व रन कर रही है वो लैटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई है फिर आलियाकस और सोआस के बीच ये जो नर्व है इसको हम लोग कहते हैं फेमरल नर्व ठीक है फिर यहाँ पे ये वाली नर्व जो दो ये एक नर्व नजर आ रही है ये वाली ये जो नर्व है ये नर्व है जेनिटो फेमरल नर्व है ये इसकी जेनिटल ब्रांच है और ये फेमरल ब्रांच है इसकी ठीक है जो थाई में जा रही है ठीक है इसके बाद जो ये दो एक आर्टरी और वेन है ये एपिगैस्ट्रिक सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी और वेन है ठीक है फिर इसके साथ ये फिर अब हम लोग देख लेते हैं ये यूरेटर नजर आ रहा है ये वाला ठीक है और ये जो है ओवेरियन वेसल्स हैं ये ओवेरियन आर्टरी और ओवेरियन वेसल्स क्योंकि फीमेल है इसलिए हम इसे ओवेरियन कह रहे हैं वैसे इसे जनरली हम गोनेडल आर्टरी वेसल्स कह लेते हैं ठीक है अब हम लोग आयोटा की जो आगे से कॉन्टिन्यूएशन है वो कॉमन आइलियक आर्टरी और वेन है कॉमन आइलियक आर्टरी जो है उसकी फर्दर वो डिवाइड हो जाती है इंटू इंटरनल आइलियक एंड एक्सटर्नल आइलियक ठीक है जो इंटरनल आइलियक है उसकी फर्दर आगे से दो डिवीजन्स हैं पोस्टीरियर डिवीजन एंड इंटीरियर डिवीजन जो पोस्टीरियर डिवीजन है उसकी आगे से थ्री और ब्रांचेज हैं थ्री ब्रांचेज में सबसे पहले आइलियो लंबर है जो ऊपर जा रही है ठीक है ये लेटरल सैक्रल है और ये जो है ये सुपीरियर ग्लूटियल है जो नीचे जा रही है ये वाली अंदर जा रही है ठीक है इसके बाद हमारे पास इंटीरियर डिवीजन ऑफ द इंटरनल आइलियक आ जाती है उसमें सबसे पहले हमारे पास इन्फीरियर ग्लूटियल है ये वाली ये इन्फीरियर ग्लूटियल है ये हमारे पास इंटरनल पुडेंडल है इंटरनल पुडेंडल है ये डिवाइड आगे से कर रही है इन्फीरियर रेक्टल में और एक इसकी वेजाइनल ब्रांच है ठीक है उसके बाद हम लोग के पास ये जो आ रही है ये यूट्राइन आर्टरी है ये वाली उसके बाद अब आप देखो ये और ये ऑब्चुरेटर वेसल्स और नर्व है ये ऑब्चुरेटर वेन ऑब्चुरेटर आर्टरी और नर्व ठीक है ये वहाँ पे ऑब्चुरेटर फोरामेन में जा रही है ठीक है इसके बाद हमारे पास ये जो वेसल आ रही है ऑब्चुरेटर आर्टरी के ऊपर जो आर्टरी आ रही है ये हमारे पास आ रही है अम्ब्लाइकल आर्टरी ठीक है अम्ब्लाइकल आर्टरी का जो डिस्टल पार्ट होता है वो बना रहे सुपीरियर वेसाइकल आर्टरी वैसे तो ठीक है सुपीरियर वेसाइकल ऑब्लिट्रेट हो रहा था ठीक है उसके बाद ना ये एक्सटर्नल आइलियक से ही निकल रही है ये सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक है इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन है और इन्फीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी है ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस है इसकी अटैचमेंट यूट्रस में भी है और ये मीडियल सेक्रल मीडियन सेक्रल आर्टरी है और इसमें ना अब ये भी देख लो कि इसमें ना मीडियन अम्ब्लाइकल लिगामेंट होगा यहाँ पे कहीं पे ये राउंड लिगामेंट ऑफ यूट्रस जो है उसकी अटैचमेंट एक यहाँ पे यूट्रस की पोस्टीरियर ली है और ये देखो यहाँ पे अटैच हो रहा है इंटीरियर बॉडी वॉल के साथ ठीक है ये पूरा ये वो इंग्वाइनल कैनाल हाँ इंग्वाइनल कैनाल में से गुजरेगा अंदर से ठीक है और इसमें ये यूट्रस की पोस्टीरियर ली है ये यूट्राइन आर्टरी और वेन है ठीक बस यही